रेलवे टिकट के सिस्टम में आए कुछ नए बदलाव, कुछ बातें जो आपको जाननी है जरूरी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव जी ने कहा कि वर्तमान में 85% ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। काउंटर से टिकट खरीदने वालों के लिए एक QR कोड भी उपलब्ध होगा। भारतीय रेलवे में टिकटिंग सिस्टम अब संपर्क रहित टिकटिंग की ओर बढ़ रहा है, जो स्टेशनों पर हाथ में रखने वाले उपकरणों और मोबाइल फोन पर स्कैन किए जाएंगे। आइए देखते हैं कि नई टिकटिंग प्रणाली कैसे काम करेगी। टिकटों पर QR सक्षम प्रणाली दी जाएगी। यदि कोई ऑनलाइन खरीदता है तो टिकट पर कोड प्रदान किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि विंडो टिकट पर भी जहां किसी को टिकट मिलता है, यात्री के मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा जिसमें एक लिंक होगा और QR कोड डिस्प्ले होगा। जैसे ही कोई यात्री स्टेशन परिसर में प्रवेश करता है, उसके टिकट का QR कोड एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन किया जाता है और यह सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। चेकिंग स्टाफ के जोखिम को कम करने के लिए स्टेशन में चेकिंग काउंटर है। एक अधिकारी ने कहा कि QR कोड स्कैन किया गया है और इन काउंटरों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ को यात्रियों के बारे में एक साथ जानकारी भी मिलती है। सभी जानकारी उनके हैंडहेल्ड मशीन को प्रदान की जाती है, जिसमें बर्थ की संख्या के साथ कोच वाइज डिस्प्ले, अनबुक बर्थ, बोर्डिंग पास की संख्या शामिल है। इसके अलावा स्टेशनों पर या ट्रेनों में TT या तो अपने हैंडहेल्ड मशीन से या अपने मोबाइल फोन से, जिसमें QR एप्लीकेशन होगा जो कोड को स्कैन करेगा और यात्रियों की डिटेल्स तुरंत कैप्चर करने में सक्षम होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि IRCTC वेबसाइट को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा और प्रोसेस को सिंपल, व्यक्तिगत और यहाँ तक कि होटल और भोजन के बुकिंग के साथ जोड़ा जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन पर स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए हवाई अड्डे की तरह चेक इन के साथ संपर्क रहित टिकट चेकिंग की परियोजना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे ने ट्रेनों की सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ट्रेनों की गति और स्थान से संबंधित वास्तविक समय के आंकड़ों को कैप्चर करता है। इससे यात्रियों को अराइवल और डिपार्चर के बारे में रियल टाइम प्रदान करेगा।